हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जड़ करियर जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ स्टार स्क्रीन अवार्ड 2020। देखिए, अभी मैंने इससे पहली वीडियो में आपको फिल्म फेयर अवार्ड 2020 दिए थे, बिल्कुल उसी तरह से स्टार स्क्रीन अवार्ड भी दिए जाते हैं और लगभग उन्हीं मूवीज़ को भी स्टार स्क्रीन अवार्ड मिले हैं जिन्होंने इस साल के लिए इस फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। तो सारे पुरस्कारों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा फोटो के साथ। तो चलिए आज के पुरस्कारों के बारे में शुरुआत करते हैं। जीके ट्रिक्स ए टू जड़ करियर जीके ट्रिक्स की तरफ से स्टार स्क्रीन अवार्ड 2020। स्टार स्क्रीन अवार्ड 2020 सबसे पहला पुरस्कार दिया गया गली बॉय को। गली बॉय को कितने अवार्ड मिले हैं, ये आपका आज का क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर देना है। गली बॉय आर्टिकल 15, जिसमें आयुष्मान खुराना थे, गली बॉय में रणवीर सिंह। बेस्ट फिल्म कौन सी घोषित की गई है, बेस्ट फिल्म घोषित की गई है स्टार स्क्रीन अवार्ड में इस बार गली बॉय। इसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट फिल्म कहा गया है गली बॉय को, और गली बॉय ऑस्कर एंट्री भी है इस बार भारत की तरफ से। बेस्ट डायरेक्टर कौन चुनी गई है, गली बॉय मूवी के डायरेक्टर हैं और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का तमगा मिला है। फिल्म फेयर में भी ये बेस्ट डायरेक्टर रही हैं। इनका नाम है जोया अख्तर, गली बॉय मूवी के लिए। जोया अख्तर फरहान अख्तर की बहन है, सबान आजमी की बेटी है जोया अख्तर, गली बॉय। बेस्ट फिल्म क्रिटिक, अभी जो मैंने बताया था वो बेस्ट फिल्म थी, एक क्रिटिक्स भी अपनी तरफ से अलग से अवार्ड देते हैं। बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड मिला है इस बार आयुष्मान खुराना की मूवी आर्टिकल 15 को, जिसे डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने, और यह अवार्ड फिल्म फेयर में भी मिला था जैसा कि आपने देखा होगा। और मैंने इस बार का जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है जो फिल्म स्टार स्क्रीन अवार्ड दिए गए हैं, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे, फिल्म फेयर अवार्ड में 11 अवार्ड टोटल जीते थे गली बॉय ने। आपका आज का क्वेश्चन है गली बॉय ने स्टार स्क्रीन अवार्ड में कुल कितने पुरस्कार जीते। बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल, मोस्ट पॉपुलर एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है सभी के फेवरेट रणवीर सिंह को, गली बॉय मूवी के लिए उन्होंने ये अवार्ड जीता। बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल, फीमेल पॉपुलर का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह दोनों को ही अवार्ड मिला है और दोनों ने ही फिल्म फेयर में भी ये अवार्ड जीते हैं बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, क्रिटिक्स ने बेस्ट एक्टर घोषित किया है आयुष्मान खुराना को आर्टिकल 15 मूवी और बाला मूवी के लिए। दो मूवी के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक घोषित हुए हैं, आयुष्मान खुराना बाला और आर्टिकल 15 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है दो हीरोइनों को, एक है तापसी पन्नू और दूसरी है भूमि पेडनेकर। इन दोनों को सांड की आंख मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक का अवार्ड मिला है। बेस्ट कॉमिक रोल ये एक्ट्रेस को मिला है बाला मूवी की यामी गौतम। यामी गौतम ने बाला मूवी में वर्क किया था जबकि भूमि पेडनेकर भी थी, उन्हें बेस्ट कॉमिक रोल का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल, फीमेल का अवार्ड मिला है कामिनी कौशल को। कामिनी कौशल को आपने देखा होगा कई बार, पुराने जमाने की हिट हीरोइन रही हैं ये कामिनी कौशल। कामिनी कौशल को कबीर सिंह मूवी के लिए अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल फीमेल का। जिम्मी एंड मैनी, बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल मेल का अवार्ड मिला है इस बार जिम्मी एंड मैनी को, मर्द की जुबान के लिए, मर्द को दर्द नहीं होता। गुलशन देवैया इनका नाम है, गुलशन देवैया को मिला है और जिम्मी एंड मैनी दोनों रोल इन्होंने किया था। ये कई लोगों ने नोटिस ना किया हो, एक ये लंगड़े थे और एक ये विलेन टाइप थे और दोनों ही रोल जिम्मी और मैनी के किए थे गुलशन देवैया ने। उन्हें बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है मेल का, मर्द को दर्द नहीं होता मूवी के लिए। और बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है दो मूवीज को, फिल्म फेयर में भी ये अवार्ड मिला था कबीर सिंह को और गली बॉय को, दोनों अवार्ड मिले हैं इस बार म्यूजिक एल्बम के लिए। जोया अख्तर अंकुर तिवारी की गली बॉय, मिथुन अमाल मलिक विशाल मिश्रा साचेत परंपरा एंड अखिल सचदेव, इन्हें कबीर सिंह के बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। अपना टाइम आएगा, ये गाना आपको ध्यान होगा गली बॉय मूवी का, अपना टाइम आएगा। बेस्ट लिरिक्स, सबसे अच्छे बोल बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है डिवाइन एंड अंकुर तिवारी को अपना टाइम आएगा गाने के लिए, गली बॉय का फेमस सॉन्ग अपना टाइम आएगा। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला है बेख्याली को, बेख्याली सॉन्ग था कबीर मूवी का,
कबीर सिंह मूवी का सचेत टंडन को मिला है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड, सचेत टंडन बेख्याली मूवी के लिए। घर मोरे परदेशिया बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है घर मोरे परदेशिया सॉन्ग के लिए, श्रेया घोषाल और वैशाली महादेव को, कलंक मूवी का गाना था ये घर मोरे परदेशिया। बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला विजय मौर्या को गली बॉय मूवी के लिए, ये विजय मौर्या की फोटो जिन्होंने बेस्ट डायलॉग लिखे हैं गली बॉय मूवी के लिए। और मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, गली बॉय मूवी इस बार ऑफिशियल एंट्री है भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड में। गली बॉय वार मूवी सबसे ज्यादा हिट मूवी बताई जा रही थी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी ने कमाया है। वार बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड मिला है वार को। पहली बार पॉल जेनिंग्स, ओ सी आयंग, परवेज शेख एंड फ्रेंसिफिलस ये एक्शन डायरेक्टर हॉलीवुड लेवल के मंगाए गए थे भारत में। और वार मूवी में कौन कौन से दो एक्टर थे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इन्हें बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड मिला इस बार। और फिल्म फेयर में भी मिला था ये, मैं आपको स्टार स्क्रीन अवार्ड दे रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाने के बाद मेरी वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सअप में फेसबुक ग्रुप हैं स्टडी से रिलेटेड, उन सब में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियो का लाभ ले सकें। और इससे पहली वीडियो में मैं फिल्म फेयर पुरस्कार भी दे चुका हूँ, उन्हें भी देखिए। अन अकेडमी पर आप मुझे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पर। चलिए अगला लेते हैं बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी वार मूवी को मिला है और यह अवार्ड मिला आरिफ शेख को वार मूवी की बेस्ट एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट डिब्यूट डायरेक्टर। डिब्यूट का मतलब होता है जब पहली बार कोई डायरेक्टर एक्टर या एक्ट्रेस आती है तो इसे हम डिब्यूट बोलते हैं। डिब्यूट मीन्स न्यू कमर, सबसे ज्यादा न्यू कमर। और बेस्ट डिब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है उरू मूवी के, URI उरी मूवी, उरी सेक्टर आपने सुना होगा, जो हमला हुआ था पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसी पे मूवी बनाई गई थी उरी। आदित्य धर को यह अवार्ड दिया गया उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। फिर है बेस्ट स्टोरी। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला आर्टिकल 15 को, अब फर्क लगेगा, आयुष्मान खुराना फेम। और इसी मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड भी मिल चुका है। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी को आर्टिकल 15 मूवी के लिए, अनुभव सिन्हा एंड गौरव सोलंकी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया प्रेम चोपड़ा को, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। पुरानी जो फिल्मों के हीरोइन के जो विलेन होते थे वो प्रेम चोपड़ा ही बनते थे ज़्यादातर मूवीज में, आपने देखा भी होगा। प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया स्टार स्क्रीन का। ध्यान दीजिएगा ये स्टार स्क्रीन अवार्ड की बात कर रहा हूँ। अब एक पिछली वीडियो से भी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में? फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ये आप लिख भेजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। वी विल शाउट आउट योर नेम इन नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्विज। मोस्ट प्रोमिसिंग डिब्यूट डायरेक्टर, सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग डिब्यूट डायरेक्टर का उरी के लिए आदित्य धर को। फिर है बेस्ट साउंड डिजाइनिंग। बेस्ट साउंड डिजाइनिंग का अवार्ड भी उरी मूवी के लिए मिला है, ये मिला विश्वदीप चटर्जी को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के लिए। बेस्ट डिब्यूट डायरेक्टर, पहली मूवी में जबरदस्त एक्टिंग, ये है अगेन गली बॉय के न्यू कमर सिद्धांत चतुर्वेदी। गली बॉय जब इन्हें अवार्ड दिया गया तो ये बड़े खुश थे। और बेस्ट डिब्यूट एक्टर का अवार्ड इन्हें फिल्म फेयर में भी मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में भी इन्हें बेस्ट डिब्यूट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट डिब्यूट एक्ट्रेस और ये है सबकी दिलों की धड़कन, नई सनसनी सारा अली खान। केदारनाथ मूवी के लिए इन्हें अवार्ड मिला है बेस्ट डिब्यूट एक्ट्रेस का अवार्ड केदारनाथ मूवी के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड गली बॉय को मिला है, अपना टाइम आएगा, ये गाना फेमस रहा है। बैकग्राउंड स्कोर सबसे बढ़िया रहा है गली बॉय मूवी का। और स्टार स्क्रीन अवार्ड 2020 का इन्हें यह अवार्ड मिला है कर्श काले को, साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को गली बॉय मूवी के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफी,
ये तो आप बगैर देखे ही बता सकते हैं कौन से सॉन्ग की कोरियोग्राफी सबसे अच्छी है। ऋतिक रोशन की वार मूवी का गाना घुंगरू, ये मिला है बास्को सीजर को, अंतुसार कालिया को सबसे बढ़िया डांस बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला घुंगरू मूवी के लिए, घुंगरू सॉन्ग के लिए वार मूवी का। स्टार प्लस बात नई अवार्ड, एक नया अवार्ड दिया गया इस बार स्टार स्क्रीन में, स्टार प्लस बात नई अवार्ड, ये मिला लुक्का लुक्का छुपी मूवी को। लुक्का छुपी मूवी में आपको हीरो पता ही होगा कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन को अवार्ड मिला है, इनकी पति पत्नी और वो भी आई थी, और ये मिला है स्टार प्लस बात नई अवार्ड लुक्का छुपी मूवी को। फिर है एंटरटेनर ऑफ द ईयर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कबीर सिंह को, शाहिद कपूर की मूवी जबरदस्त मूवी रही है एंटरटेनर ऑफ द ईयर, और दो मूवी को इस बार स्टार स्क्रीन अवार्ड दिया गया है, एंटरटेनर ऑफ द ईयर गली बॉय को और कबीर सिंह को, इन दोनों मूवी को अवार्ड दिया गया एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड। रणवीर सिंह गली बॉय, शाहिद कपूर कबीर सिंह, दोनों हीरो को बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड दिया गया है। और ये है लाखों दिलों की नई सनसनी, नई धड़कन, नई हीरोइन, फ्रेश फेस ऑफ द ईयर मिला स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, ये है अनन्या पांडे, फ्रेश फेस ऑफ द ईयर पति पत्नी और वो में भी थी ये अनन्या पांडे, इन्हें बेस्ट न्यू कमर यानी फ्रेश फेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अनन्या पांडे को। एक क्वेश्चन और आपसे हम बता रहे हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख भेजना, अनन्या पांडे किस हीरो की बेटी है, एक पुराने जमाने की हीरो रहे हैं 20 साल पहले, और आपको बताना है ये किसकी बेटी है। फिर है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी मिला है गली बॉय के जय ओझा को, जय ओझा को मिला है, और गली बॉय ऑस्कर के लिए चूज की गई है इस बार। एक एक क्वेश्चन को ना डायरी में लिखा करो, मैंने बताया डायरी ले लो, ज्यादातर हम लोग कॉपी लेते हैं, डायरी में क्वेश्चन को लिखा करो, जब मेरी वीडियो चले तो एक एक क्वेश्चन को लिख लिया करो, वीडियो को पॉज करा करो और लिखने की आदत डालो। देखिए वीडियो देखने का लाभ तभी है जब आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहे, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे आचार्य जी कहा करते थे लिख लिख के याद करो बेटा, और हम वो आजकल नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप कोई चीज़ हाथ से लिख दोगे तो 100% आपकी मेमोरी में फिट हो जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और तब इन क्वेश्चंस को करा करो। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, एंड तक जुड़े रहें। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मैं बता चुका हूँ, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सबसे अच्छे कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन का अवार्ड मिला है अगेन गली बॉय को, गली बॉय को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला है। इनका नाम है पूर्णा मृता सिंह गली बॉय मूवी के लिए। और ये था मेरा प्रोफाइल डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अन अकेडमी पे, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉलोइंग मी ऑन अन अकेडमी, अन अकेडमी पे मेरे 4,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप हमें हैट भी डेडिकेट कर सकते हैं अगर आपने हमारी वीडियो 100 मिनट, 200 मिनट, 500 मिनट, 1000 मिनट देखी है। अगर आप लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ ये हैट भी डेडिकेट कर रखें। इससे क्या होगा, आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, आप हमें कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और आप हमें फटाफट हमारी वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो तुरंत फॉलो करना ना भूलें डॉक्टर पुनीत गोयल, सिंपली DRPUNITGOEL डालेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा अन अकेडमी पर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार और फटाफट रिवाइज करते हैं स्टार स्क्रीन अवार्ड, देखते हैं आप में से कितनों को पता है, कितनों को अच्छी तरह से याद होंगे। बेस्ट डायरेक्टर कौन है जल्दी से बताएं, फटाफट देखते हैं आप बता सकते हैं क्या। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का नाम, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का नाम, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का नाम, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का नाम बताना है आपको, देखते हैं कितने याद आ रहे हैं जल्दी से देखें। बेस्ट कॉमिक रोल किस हीरोइन को मिला है जल्दी से देखें। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल किसे मिला है, गली बॉय के हीरो को मिला है, उनका नाम बताना है आपको। बेस्ट प्लेबैक सिंगर बेख्याली इस सॉन्ग को किसने गाया ये बताएं, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड किसे मिला है,
बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड, ये भी बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कई सारे आंसर आपको रट गए होंगे, दिमाग में बैठ गए होंगे, फिट हो गए होंगे। तो 100% श्योरली यू विल लाइक दिस वीडियो। रोजाना मैं आपको शाम को एक वीडियो देता हूँ अन अकेडमी पे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माई वीडियो एंड आई होप यू विल रियली लाइक। यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी इन कमेंट्स बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड इफ यू हैव सम मिस्टेक व्हाट यू हैव टू डू, आपको डेली 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 मैथ के, 50 इंग्लिश के और 50 जीके के करने चाहिए। ये अपना एक टारगेट बनाओ, टारगेट सेट करो, जैसे कि मैं आप रोजाना टारगेट सेट करता हूँ एक वीडियो देने का। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बना के दी है आपको। मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A to Z करियर्स, A numeral 2 Z Career A to Z करियर्स YouTube चैनल है, A to Z करियर्स। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही आप मेरी वीडियो देखें तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी आप मेरी वीडियो को यूज़ कर पाएँ। रोज़ाना सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आपको मिल जाती है, तो रोज़ाना सुबह 8 बजे मेरी वीडियो देखा करें A to Z करियर्स GK ट्रिक्स चैनल पर। यह A to Z करियर्स GK ट्रिक्स मेरा चैनल, इसे सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी बॉक्स में आपको मेरा एक क्वेश्चन मिलता है रोज़ाना, रोज़ाना मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, और ये डाला था जिसे 100 से ज़्यादा लोग अटैम्प्ट करते थे। कुछ स्टूडेंट ने बोला था सर कम से कम 10 क्वेश्चन डाला करो, तो मैंने आपको बताया था जब मेरे लाइक ये 1000 हो जाएंगे उस दिन मैं आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रोज़ाना दिया करूँगा। आपने देखा होगा कई सारी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं और रटते हैं, लेकिन वो टेस्टिंग नहीं होती, केवल आपने वीडियो देख ली। तो इसीलिए मैंने शुरुआत किया आपके लिए कम्युनिटी बॉक्स की। कम्युनिटी बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चन डालता हूँ और उनको आपको टिक करना होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, टिक करके आप देख सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं। तो आई होप यू विल रियली लाइक वीडियो। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9837282318 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है मेरा मोबाइल नंबर 9837282318, और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो बनता ही है और लाइक का बटन भी दबा दिया करें अगर वीडियो अच्छा लगा, और इससे पहले वीडियो फिल्म फेयर की भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, सायोनारा।